Hi everyone. Today we are going to cover a very important topic, which is writs. We often hear the word writ whenever we hear any legal news or something related to the Supreme Court and High Court. तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि writs होते क्या हैं. So writs are written order from the Supreme Court and High Court, जो constitutional remedies provide करते हैं to all the Indian citizens, अगर उनके fundamental rights, यानी कि मौलिक अधिकार, violate होते हैं. इसमें टू आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज फर्स्ट इज आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट से डील करता है एंड आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट से डील करता है. दीज बोथ आर्टिकल्स प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. यही सेम आर्टिकल्स गिव पावर टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स. सो देर आर 5 रिट्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, स्टार्टिंग विद हीबियस कॉर्पस. ये रिट का नेम एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ. ये रिट तब यूजफुल होता है जब अनलॉफुल डिटेंशन किया गया हो एंड इट्स सोल पर्पस इज टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. ये रिट कोर्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू कर सकता है. हीबियस कॉर्पस कैन बी इशूड व्हेन अनलॉफुल डिटेंशन हुआ हो, जब कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हों, डिटेंशन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने करा हो एंड डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ये रिट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज को इशू कर सकता है. द सेकेंड रिट इज मैंडमस. द लिटरल मीनिंग ऑफ मैंडमस इज वी कमांड. ये रिट्स कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर देने के लिए की जाती है टू पब्लिक ऑफिशियल्स हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू देयर ड्यूटी और रिज्यूम देयर वर्क. पब्लिक ऑफिशियल्स के अलावा मैंडमस कैन ऑल्सो बी इशूड टू पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स और इवन द गवर्नमेंट. ये रिट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती. मैंडमस इशू करने के कुछ कारण हैं: टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, टू ऑर्डर समवन टू वर्क व्हेन दैट वर्क इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एनफोर्स करना. ये रिट प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पे एनफोर्स नहीं हो सकती. नाउ द थर्ड रिट दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज प्रोहिबिशन. नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिशन, जिसका लिटरल मीनिंग है टू फॉरबिड समवन और समथिंग. एक कोर्ट जो हायर पोजीशन में है वो ये रिट इशू कर सकता है टू कोर्ट इन लोअर पोजीशन. ये रिट जुडिशियल एंड क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू हो सकता है. इट कांट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, legislative bodies and private individuals. The next writ which we will be talking about is certiorari. Iska literal meaning hai to be certified or to be informed. It is issued by higher court to lower court, ordering them either to transfer the pending case or quash any particular order of the case. It is mostly issued on grounds of excess jurisdiction or lack of jurisdiction or error of any law. It cannot be used against legislative or private individuals. The next writ which we will be talking about is quo warranto. The literal meaning of this writ is by what authority or warrant. Ye writ basically prevent karta hai any public official to do any illegal activity. Ye writ bhi kisi private individual ya ministerial office ke against issue nahi ho sakta. So ye the 5 writs, but we are going to talk about some more facts about the writ. Article 32 of the Constitution also empower parliament to authorize any other court to issue these writs. 1950 ke pehle only the high courts of Calcutta, Bombay and Madras had the power to issue the writs. Article 226 empowers all the high courts of India to issue the writs. Also, the writs of India are borrowed from English law, where they are known as prerogative writs. So stay tuned for more videos on constitutional law and do subscribe to Law Guys.